भारत माता की जय। लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट होश में आओ, सेंट्रल गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सेंट्रल गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सेंट्रल गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिजली कटौती बंद करो, जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, 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 जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, 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 बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो, और जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से प्रेस क्लब के बाहर जम्मू स्ट्रांग प्रोटेस्ट जो है वो किया गया। प्रोटेस्ट करने का मेन मकसद और मौकफ यही है कि पिछले एक महीने से जो जम्मू डिवीजन के अंदर, खसूसन तौर पे जो जम्मू डिवीजन के अंदर बिजली की कटौती बेहिसाब तरीके के साथ हो रही है, एक घंटा बिजली आती है और चार घंटे बिजली बंद रहती है, और जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से अपील करते हैं एलजी महोदय से कि जो बिजली का जो पावर फेलियर, पावर क्राइसिस जो बहुत बड़ा जम्मू डिवीजन के अंदर इस वक्त चल रहा है उसको ठीक किया जाए, और जम्मू डिवीजन के अंदर बिजली जो है वो 24 घंटे में कम से कम 20 घंटे बिजली जो है वो दी जाए, ताकि जम्मू के लोगों को, जम्मू डिवीजन के लोगों को राहत मिल सके। और जितना भी हमारा रूरल एरियाज है, जितना भी हमारा देहाती एरिया है, वहां तो बिजली का नामो निशान ही नहीं है, बिजली टोटल जो है सिस्टम पूरा कलैप्स हो चुका है, बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो बिजली का इस वक्त संकट जो है वो जम्मू डिवीजन में है। हमारे गांव के अंदर पानी की सुविधा लोगों को नहीं मिल रही, गांव के अंदर जो जल शक्ति विभाग है वो कहता है कि हमारी मोटरें नहीं चल रही, हमारी पंपिंग नहीं हो रही है, तो इसलिए बिजली की वजह से पानी की भी त्राही त्राही गांव के अंदर हो रही है, पूरे जम्मू डिवीजन के 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसके साथ साथ जो पंचायतों के कामकाज हैं वो भी सारे के सारे सफर कर रहे हैं ड्यू टू बिजली क्राइसिस। तो इसलिए ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस एलजी महोदय से अपील करते हैं कि जम्मू के अंदर बिजली जो है वो दी जाए, कम से कम 20 घंटे बिजली जो है वो 24 घंटे में दी जाए। जैसे कि आपने देखा कि ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट है खिलाफ बिजली की विभाग की जो भी कार्रवाई यहाँ पे इस वक्त चल रही है उसके खिलाफ। क्योंकि बिजली की अगर मैं बात करूँ, दिन के समय में भी बिजली नहीं आ रही जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को बिल्कुल भी बिजली नहीं मिल रही है। जैसे कि आप सबको पता है रोजे भी खत्म हो चुके हैं, पूरा महीना एक तरीके से उनका बड़ा मायूसी में निकला कि बिना बिजली के उनका एक तरह से अपने त्यौहार को मनाने का जो एक उत्साह था वो भी कहीं ना कहीं कम हो गया। लोग जो है, स्टूडेंट्स जो है, कहीं ना कहीं वो भी सफर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज के दिन जो पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया गया है, सीधे साफ शब्दों में एलजी मनोज सिन्हा से ये दरख्वास्त की गई है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे बिजली की समस्या को सुलझाएं, और साथ ही साथ कम से कम 20 घंटे बिजली देने का प्रावधान जो है वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में करें। और इसके साथ ही यहाँ के लोगों की समस्याएं और साथ ही साथ बिजनेस से जुड़े हुए लोगों की समस्याएं जो है वो जल्द हल हो सके। आगे की अपडेट्स के लिए बन रहे हैं।